स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर 11th चैप्टर ऑफ, यानी कि रिमेनिंग चैप्टर जो हमारा है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th चैप्टर क्वेश्चन नंबर 16 से. ओके, एरिया एंड इट्स बाउंड्री. तो हमने 15 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. द पैरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड टू ऑफ इट्स साइड मेजर 3.6 सेंटीमीटर एंड 5.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड साइड. कि आपको जो ट्राइंगल का पैरीमीटर दे दिया है, दो साइड दी है और थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है. तो पैरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड का एडिशन. यानी कि हम क्या करेंगे, पहले दो साइड का एडिशन करेंगे, फिर पैरीमीटर टोटल दिया है उसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमें थर्ड साइड मिल जाएगी. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थर्ड साइड इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि उसका टोटल माइनस साइड प्लस साइड, यानी कि दोनों साइड का एडिशन. ओके, तो पैरीमीटर कितना है 16, माइनस एक साइड दी है 3.6 की और दूसरी दी है 5.8 की. तो 16 माइनस इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 का 4 1 कैरी हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, यानी कि क्या आएगा 9.4. अब 16 माइनस 9.4 आपको करना है. ओके, तो क्या आंसर आएगा, 6.6. क्लियर. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ ब्रीथ 5 सेंटीमीटर हैव द सेम पैरीमीटर. ओके, आपको स्क्वायर की साइड दी है और रेक्टेंगल की ब्रीथ दी है और ऐसा कहा है कि दोनों का पैरीमीटर जो है वो सेम है, इक्वल है. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रीथ दी है तो लेंथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी. कैसे करेंगे, पहले तो स्क्वायर का हम पैरीमीटर फाइंड कर लेते हैं ताकि क्या मिल जाएगा, हमें दोनों का पैरीमीटर मिल जाएगा. पैरीमीटर में से साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे. ओके, सो हमें पैरीमीटर कितना दिया है, पैरीमीटर फाइंड करते हैं स्क्वायर का. स्क्वायर की साइड है 8, तो इक्वेशन क्या आएगा, पैरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड. सो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर. सो 8 फोर ज़ा 32 सेंटीमीटर. अब आपको दोनों के पैरीमीटर तो इक्वल है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के. तो अब हमें ब्रीथ दी है, हम लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास था ना इक्वेशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरीमीटर डिवाइड 2 माइनस ब्रीथ. पैरीमीटर कितना है 32, दोनों के इक्वल है इसलिए 32 डिवाइड 2 माइनस ब्रीथ कितनी है 5 सेंटीमीटर माइनस 5. 32 डिवाइड 2 यानी कि 16 आएगा, 16 टू ज़ा 32, 16 माइनस 5 यानी कि कितनी साइड मिली आपको, लेंथ कितनी मिली 11. अब आपके पास है लेंथ है 11 और ब्रीथ है 5 सेंटीमीटर. तो अब एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ. आपके पास लेंथ है 11 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 5 सेंटीमीटर. सो 11 मल्टीप्लाई 5, 11 फाइव सा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक्स इज 20 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर वाई इज 36 सेंटीमीटर. आपको पैरीमीटर दिया है स्क्वायर एक्स एंड स्क्वायर वाई का, दोनों का. हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर्स. ओके, आपका स्क्वायर की साइड का डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है. तो अब हम साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइड इज इक्वल टू पैरीमीटर डिवाइड 4, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं, इसलिए पैरीमीटर डिवाइड 4. एक्स का हम पहले फाइंड करते हैं साइड, तो एक्स की 20 पैरीमीटर है, 20 डिवाइड 4, 4 फाइव से 20, तो क्या आएगा इसकी, एक्स की साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर. अब वाई की करें तो पैरीमीटर डिवाइड 4, यानी पैरीमीटर कितना है 36 डिवाइड 4, तो 9 फोर से 36, तो इसकी साइड कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर. अब दोनों का डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस ऑफ साइड एक्स एंड वाई, तो वाई कितना है 9 और एक्स कितना है 5, तो 9 माइनस 5 कितना डिफरेंस आएगा, 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा. क्लियर. अब देखते हैं बी. बी में कहा है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बोथ द स्क्वायर. दोनों स्क्वेयर्स जो है उसका टोटल एरिया, दोनों का एरिया मिला के टोटल कितना हो रहा है वो फाइंड करना है. तो अब आपके पास साइड है दोनों की, एक्स की और वाई की, यहाँ पे फाइंड की ना, एक्स की 5 है और वाई की 9 है, तो एरिया फाइंड कर लेंगे.
ओके एरिया ऑफ एक्स डिजॉल्व साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी है 5, सो 5 मल्टीप्लाई 5 25 सेंटीमीटर, और वाई की शुरू वाई का एरिया देखे तो उसकी साइड है 9, सो 9 9 81 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया करना है, सो एक्स प्लस वाई दोनों का टोटल करते हैं एरिया, टोटल एरिया ऑफ एक्स एंड वाई 25 प्लस 81, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 8 10, 106 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आपको मिलेगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है द गिवन नेट इज ऑफ क्यूब ओपन एट द टॉप, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इन द नेट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके आपको जो ये नेट दिया है क्यूब उसको ओपन करेंगे तो सभी की साइड जो है वो कैसी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। ओके अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन नेट, तो इस नेट का पेरीमीटर कितना होगा वो फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कर दिया है, सभी साइड का आपको एडिशन करना पड़ेगा तब जाके पेरीमीटर मिलेगा, सभी साइड 4 4 सेंटीमीटर की है। तो मैंने क्या किया, ए बी बी सी ऐसे नेम दे दिए, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इस तरह से आपको सभी साइड का एडिशन करना पड़ेगा। तो टोटल साइड कितनी हो रही है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ओके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 साइड टोटल हो रही है और एक साइड का मेजरमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर आएगा 12 4 48 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर कितना मिला 48 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखते हैं बी, बी में क्या कहा है, बी में ऐसा कहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक द गिवन नेट। ओके इस कार्डबोर्ड का एरिया आपको फाइंड करना है। ओके तो पहले तो हम एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। ओके इसकी लेंथ 4 है और ब्रीथ भी 4 है, यानी कि स्क्वायर के साइड इक्वल होती है, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि ये एक स्क्वायर का। ओके ये एक का ही हम कर रहे हैं पहले, तो साइड मल्टीप्लाई साइड 4 4 4 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बॉक्स का हमें एरिया मिला 16 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने बॉक्स है 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे 5 बॉक्सेस है। तो हम क्या करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 करेंगे, सो एरिया टोटल मिल जाएगा, सो एरिया इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो 16 5 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिलेगा एरिया। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल हाउ डज इट्स पेरीमीटर चेंज, कि आपको लेंथ और ब्रीथ रेक्टेंगल की डबल कर दो तो उसके पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा। तो हम देखते हैं, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का इक्वेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं पेरीमीटर का पी। ओके अब लेंथ और ब्रीथ डबल करनी है, तो लेंथ इज इक्वल टू 2l एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 2b, तो डबल कर दी। अब इस इक्वेशन में हम रखते हैं तो लेंथ की जगह पर 2 और 2l और ब्रीथ की जगह पे 2b, तो अब दोनों में 2 2 है कॉमन, तो हम इसको हम बाहर निकाल देंगे और क्या कर देंगे लेंथ प्लस ब्रीथ, तो ये 2 और ये 2, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 लेंथ प्लस ब्रीथ। तो हमने 2 लेंथ प्लस ब्रीथ हमारा क्या था सपोज किया था p, तो यहाँ पे 4 हो गया यानी कि डबल हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2p। तो इसमें क्या चेंज आया पेरीमीटर में, यहाँ p था यहाँ पे डबल हो गया 2p, तो क्या चेंज आया पेरीमीटर इज डबलेड। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5.6 ऑफ इट्स ब्रीथ। ओके ब्रीथ से कितना है, लेंथ कितनी है 5.6 ब्रीथ है। ओके इसलिए 5.6 बी, इफ इट्स पेरीमीटर इज 132 मीटर फाइंड इट्स एरिया, इसका पेरीमीटर 132 मीटर दिया है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ओके तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इसकी लेंथ जो दी है वो फाइंड करेंगे और ब्रीथ फाइंड करेंगे। ओके तो चलिए पहले करते हैं, पहले ब्रीथ उसके बाद लेंथ उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ होती है, तो पेरीमीटर कितना है 132 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें कितनी है 6.5 बी है प्लस ब्रीथ। ओके तो 2
अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 डिवाइड में है यानी कि डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और यहाँ पे क्या होगा दोनों का एडिशन होगा। ओके तो यहाँ पे 5 बी हो जाएगा और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल, इसलिए 6b + 5b / 5। 6 + 5 कितना हो जाएगा 11b/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 132 मीटर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 × 2 = 22b/5। अब क्या करेंगे, बी को हमें फाइंड करना है, तो ये डिवाइड में है, यहाँ पे देखिए ये 5 जो डिवाइड में है इसके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इसलिए 132 × 5 हो जाएगा और 22 डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए 132 × 5 / 22 और बी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मिलेगा। सो बी इज इक्वल टू 132 × 5 क्या आएगा, 5 × 2 = 10, 0, 1 × 5 = 15 + 1 = 16, 5 × 5 + 1 = 6, 660 / 22। अब डिवाइड कर दो तो क्या आता है, 22 × 3 हो जाता है ना 66 और 0 का 0, इसलिए 30 मीटर ब्रीथ मिले। अब आपको लेंथ फाइंड करनी हो तो आप इसमें रख सकते हो, इक्वेशन में ब्रीथ की जगह पे 30 रख देना, लेंथ इज इक्वल टू 6/5 × 30, तो 5 × 6 = 30, तो 6 × 6 = 36, आपको लेंथ कितनी मिल गई 36 मीटर। तो एरिया फाइंड कर सकते हो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, तो लेंथ कितनी है 36 और ब्रीथ कितनी है 30, 36 × 30, 36 × 3 = 108 और 0 लगा देंगे यानी कि 1080 m². क्लियर इतना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, सॉरी, द साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल इज 10 cm, हाउ मैनी टाइल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ अ हॉल विच इज 2.5 m लॉन्ग एंड 2 m हाई। ओके, हॉल की एक साइड पे हमें टाइल्स लगानी है, जो टाइल है उसका हमें एक का साइड एक की दे दी है, तो हम पहले उसका एरिया फाइंड करेंगे और फिर जो इसका एरिया आएगा हॉल की एक साइड का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो पहले तो करते हैं, चलो पहले टाइल का एरिया फाइंड करते, एरिया ऑफ स्क्वायर किसका, टाइल का कितना है, साइड मल्टीप्लाई साइड कितने हैं, 10 साइड है, 10 × 10 के आंसर आएगा 100 cm². अब वॉल का जो है वो एक साइड जो है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, 2.5 × 2। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, 2.5 × 2 क्या आंसर आएगा 5 m। ओके अब क्या करेंगे, टोटल फाइंड करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स काउंट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कितनी चाहिए होगी। ओके सो 5 m × 100 cm² तो कितना आ जाएगा 500, तो कितनी टाइल्स चाहिए होगी, 500 टाइल आपको चाहिए होगी। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, विच इज प्लेग्राउंड इज बिगर, कौन सा प्लेग्राउंड बिगर है, द वन ऑफ मेजरिंग लेंथ और ब्रीथ इतनी दी है, दूसरे में लेंथ और ब्रीथ इतनी दी है, तो पहले दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, पहले क्या करते हैं 120 × 52, इसका आंसर क्या आएगा 6,240 m². ओके और दूसरे का 110 × 62 यानी कि 6,820 m², तो कौन सा बड़ा हुआ, इसमें 6,200 है इसमें 6,800, तो ये बड़ा हुआ यानी कि कौन सा बड़ा आएगा बी का, तो इसमें हम क्या कर देंगे राइट टिक कर देंगे। क्लियर, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, विच स्क्वायर यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द एरिया ऑफ, ओके ये जो हमें दिया है वो हम कौन से यूनिट में मेजर कर सकते हैं इसका एरिया, तो हमें स्टैम्प दिया है, कोई भी स्कूल का हमें यूनिफॉर्म में स्टैम्प आता है वो किस में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में होता है, छोटा होता है ना, इसलिए वो मिलीमीटर स्क्वायर में होता है उसका एरिया। देखिए एरिया है इसलिए स्क्वायर तो सभी में आएगा, मिलीमीटर में फाइंड कर सकते हैं इसलिए क्या आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 100 rupees की नोट है वो हम किस में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, तो उसका एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में।
अब फ्लोर ऑफ रूम, रूम का कोई भी फ्लोर हमें मेजर करना हो तो वो किस में आएगा, मीटर में, तो उसका एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब कंट्री, कंट्री जो है वो इसमें मेजर होती है किलोमीटर में होती है, तो उसका एरिया किस में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अ स्क्वायर हैज साइड 6 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल हैज लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 5 सेंटीमीटर। ओके, एक स्क्वायर है उसके आपको साइड दी गई है और रेक्टेंगल है उसकी साइड दे दी है लेंथ और ब्रीथ। ओके, तो हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ ईच, दोनों के पैरीमीटर हमें फाइंड करने हैं। तो पहले स्क्वायर का पैरीमीटर फाइंड करने हैं। क्या है इक्वेशन, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। सो 4 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर मिल गया स्क्वायर का। अब रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ कितनी दी है 20 और ब्रीथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओके, सो 20 प्लस 5 25 25 टू 50 सेंटीमीटर, दोनों के पैरामीटर मिल गए आपको। अब देखते हैं बी, बी में क्या कहा है, विच हैज अ ग्रेटर पैरामीटर एंड बाय हाउ मच, कौन सा पैरामीटर, किसका पैरामीटर बड़ा है और कितना ज़्यादा है। तो अब देखिए पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का है 24 और रेक्टेंगल का 50 है, तो पता चल जाएगा, माइनस डिफरेंस निकाल लेते हैं, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल माइनस पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका रेक्टेंगल का है 50 सेंटीमीटर और स्क्वायर का है 24, 50 माइनस 24 क्या आंसर आएगा 26, सो रेक्टेंगल बाय 26 सेंटीमीटर ग्रेटर। क्लियर, ग्रेटर देन स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, फाइंड द ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, अब ब्रीथ फाइंड करनी है, तो इक्वेशन क्या था, हमने देखा था आगे ब्लैंक्स में, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइड लेंथ, एरिया कितना है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रीथ है 30, तो 13 7 91 होता है, तो आपका आपको लेंथ कितनी, सॉरी ब्रीथ कितनी मिली 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसमें है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹40 per meter इज 2800। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसको फेंसिंग करने की 1 मीटर की प्राइस 40 है और टोटल की कितनी है 2800। इफ द लेंथ ऑफ फील्ड इज 24 मीटर फाइंड इट्स ब्रीथ, तो आपको इसकी लेंथ दी है, ब्रीथ फाइंड करनी है, तो पहले तो हमारे पास पैरीमीटर होना चाहिए ना, तो पैरीमीटर हम कैसे फाइंड कर देंगे, टोटल कॉस्ट है और 1 मीटर की कॉस्ट है, तो टोटल डिवाइड 1 मीटर की कॉस्ट हम डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ना कि कितने मीटर पूरा रेक्टेंगल है। ओके, इसका पैरीमीटर मिल जाएगा, तो करते हैं, चलो पैरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। ओके, टोटल कॉस्ट कितनी है 2800 और एक की कितनी है 1 मीटर की 40, तो इक्वल जीरो कैंसिल, जीरो जीरो ऊपर नीचे कैंसिल, 4 7 28 और ये 0, यानी कि 70 मीटर आपको पैरीमीटर मिल गया, रेक्टेंगल फील्ड कितनी है 70 मीटर लॉन्ग है। ओके, अब ब्रीथ हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 पैरीमीटर माइनस लेंथ, तो पैरीमीटर कितना मिला 70 डिवाइड 2 माइनस लेंथ कितनी है 24, सिर्फ 24 लिखेंगे, 70 डिवाइड 2 क्या आएगा 35 2 70 होता है, इसलिए 32 35 माइनस 24 क्या आएगा 5 माइनस 4 1 3 माइनस 2 1, यानी कि 11 मीटर आपको क्या मिली, ब्रीथ। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है अ वॉल इज बिल्ट अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 63 मीटर एंड ब्रीथ 47 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द वॉल एट ₹140 per meter। आपको पहले तो इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पैरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, पैरीमीटर फाइंड करेंगे, लेंथ और ब्रीथ आपको गिवन है। ओके, एक पर मीटर की प्राइस दी है, टू जितना पैरीमीटर आएगा उससे हम एक की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या करेंगे, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, कितनी लेंथ है 63 लेंथ है और ब्रीथ 47 मीटर है, 63 प्लस 47, 7 प्लस 3 0, 10 का 0 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 111 2 220 मीटर। अब एक की कॉस्ट कितनी है 140,
220 की मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई 140 कर देंगे. ओके 220 मल्टीप्लाई 140. अब देखिए ज़ीरो 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 सबका ज़ीरो आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ज़ीरो रख दिया है. ओके टू डिजिट का भी ज़ीरो आएगा. अब फोर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फोर टू ज़ा एट, फोर टू ज़ा एट, थ्री डिजिट के टू ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन टू ज़ा टू, वन टू ज़ा टू. अब एडिशन कर देते हैं, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, एट प्लस ज़ीरो एट, एट प्लस टू टेन का ज़ीरो, वन कैरी टू प्लस वन थ्री. तो कितनी कॉस्ट आई, 30,800 रुपीज़. ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29. अ रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम ऑफ अ ब्रिक 36 सेंटीमीटर हैज पेरीमीटर 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ. आपको लेंथ फाइंड करनी है, आपको ब्रिथ दी है और पेरीमीटर दी है. पेरीमीटर कितना है, मीटर और सेंटीमीटर है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 प्लस 80 क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर. ओके एक यूनिट में रखो ताकि जो सॉल्व है प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी हो जाए, इसलिए मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर. अब आपको बस लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड टू माइनस ब्रीथ. पेरीमीटर कितना है, 108 सेंटीमीटर डिवाइड टू माइनस ब्रीथ कितनी है, 36. ओके 180 डिवाइड टू यानी कि 90, टू सा क्या हो जाता है 108, यानी कि 90 माइनस 36 कितना आएगा आंसर, 54 सेंटीमीटर. क्लियर. अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30. क्या कहा है, द फ्लोर ऑफ अ हॉल is completely covered by 26 carpet each measuring 4 meter by 2.5 meter. What is the area of floor of the hall? आपको जो देखिए आपको 20 पूरे हॉल में कितने कारपेट लगाए हैं, 26 कारपेट लगाए हैं. अब एक का मेजरमेंट आपको दे दिया है. ओके तो उसका एरिया हम पहले फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई 26 करेंगे, तो पता चलेगा ना कि उसका एरिया, फ्लोर का एरिया कितना होगा. क्योंकि एक एक कारपेट का एरिया फाइंड करेंगे, उससे मल्टीप्लाई 26 करेंगे, क्योंकि पूरे हॉल में 26 कारपेट लगाए हैं. इसलिए अब एरिया ऑफ वन कारपेट कितना मेजरमेंट दिया है, लेंथ और ब्रेथ 4 मीटर एंड 2.5, तो 4 टू ज़ा 8 और 4 फाइव ज़ा सॉरी 4 फाइव ज़ा 20 का 0, 2 कैरी 4 टू ज़ा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10.0, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया इसका आएगा एक कारपेट पर. ऐसे कितने हैं, 26 कारपेट लगाए हैं, तो एरिया फ्लोर यानी कि क्या करेंगे, 10 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 26, तो 26 10 ज़ा 260 मीटर स्क्वायर. फ्लोर का एरिया कितना मिला आपको, 260 मीटर स्क्वायर. क्लियर इतना. अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड. 3 सेंटीमीटर साइड साइड लेके आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है. ये देखिए ये चारों साइड है 3-3 सेंटीमीटर लेके मैंने स्केल से मेजर करके ये मैंने ड्रॉ किया है. ओके ये देखिए है ना 3 का, ये मैंने मेज़र करके 0 से 3 यहाँ तक ऐसे आप भी ड्रॉ कर लेना है. ओके राइट ए ऑन इट, इसको इस फिगर को नेम दे देना है ए. ओके ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड ऑफ स्क्वायर ए. ऐसा आपको दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है, कैसा, लेकिन ये की जो साइड ली है उससे डबल, यानी कि ये 3 का लिया है तो दूसरा आपको ड्रॉ करके कितने का लेना है, दूसरा ड्रॉ कर वो 6 का लेना है. ओके मेरे यहाँ पे आ नहीं रहा था इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है. आपको नोटबुक में करना हो तो आप नोटबुक में करेंगे, या तो ये 3 वाला थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे 6 वाला ड्रॉ कर देना, क्योंकि 6 वाला यहाँ पे यहाँ तक आएगा, इसलिए इस तरह से ड्रॉ कर देना. ओके फिर क्या कहा है, राइट बी ऑन इट, उसको नेम देना है हमें बी. ओके अब देखिए हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. ए में क्या कहा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज. ओके ए का पेरीमीटर फाइंड करना है, ए का साइड कितनी है 3, और स्क्वायर में कितनी इक्वेशन क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 3, तो 4 थ्री ज़ा क्या आएगा 12 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट लिखा नहीं है फॉर्मूला, डायरेक्ट किया है, इसलिए अब तो फॉर्मूला याद रह गया होगा ना. तो साइड ऑफ स्क्वायर बी, ओके साइड बी की साइड कितनी है स्क्वायर की, ए से डबल, यानी कि इसकी 3 है, तो इसकी 3 टू ज़ा 6 होगी. ओके अब द एरिया ऑफ स्क्वायर बी,
एरिया आपको फाइंड करना है बी का, स्क्वायर बी का। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। बी की साइड कितनी है, 6 है, तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। अब है द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज ब्लैंक्स टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। अब एरिया ऑफ बी है वो ए से कितना टाइम ज़्यादा है वो हमें लिखना है। तो अब देखिए बी का एरिया तो आपको पता है यहाँ पे 36 है, ए का माइंड कर लेते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड, ए की साइड कितनी है, 3, 3 3 जा 9 आया। ओके, सो 9 से कितना टाइम ज़्यादा है, 9 4 जा 36 होता है, इसका 36 है बी का, यानी कि 4 टाइम इसका ज़्यादा है। ए से बी का एरिया 4 टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4। ओके, फिर ई देखते हैं, ई में कहा है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज ब्लैंक सेंटीमीटर। एक बी का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, सो साइड कितनी है बी की, 6 है। ओके, सो 4 6 जा 24 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एफ में क्या कहा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज ब्लैंक्स टाइम द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। अब देखिए पेरीमीटर जो है स्क्वायर बी का वो कितने टाइम पेरीमीटर स्क्वायर ए से कितने टाइम ज़्यादा है वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए ए का पेरीमीटर कितना है, यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे लिखा है ए का पेरीमीटर है 12 और बी का पेरीमीटर है 24। तो 24 डिवाइड 12 करो तो 12 टू ज़ा 24, यानी कि 2 टाइम ज़्यादा है, बी का पेरीमीटर ए से 2 टाइम ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। क्लियर। यहाँ पे हमारे कुछ सारे क्वेश्चन हैं कंप्लीट होते हैं। सो चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री यहाँ पे कंप्लीट होता है, टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गया है, वर्कबुक में भी कंप्लीट। इस चैप्टर में आपको कोई भी क्वेरी या डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। ओके, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि क्या है आपको कोई भी वीडियो में इसमें डालो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख के अच्छे राइटिंग करके फिर वर्क बुक में फिल करना है, और वो भी खुद से, सारे जो इक्वेशन है फॉर्मूला है वो ऐसा हो तो एक नोटबुक में लिख के रखना, ताकि आप जब भी लर्न करो या सॉल्व करो तो उसमें से आप देख सको, और सारे फॉर्मूला याद रखने हैं ताकि ये सारे प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सको। ओके, कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, अच्छे राइटिंग करके वर्कबुक को फिल करना। ओके, थैंक यू।